नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। 2024 के चुनाव में जब एक भी सीट नहीं मिली और एनडीए में रहते हुए भी पशुपति कुमार पारस को वो वैल्यू नहीं मिला, तो उसके बाद से पशुपति कुमार पारस असहज हुए थे। उन्होंने कोशिश किया था कि वो दबाव बनाएं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सामने चिराग पासवान थे और चिराग पासवान ने एनडीए के भीतर अपना कद बहुत बड़ा कर लिया था। अब जबकि पशुपति कुमार पारस के पास एकमात्र टिमटिमाता दिया, जो रामविलास पासवान के समय से चला आ रहा सरकारी कार्यालय था एयरपोर्ट के बगल में, वो भी उनके हाथ से छिन गया। उसके बाद से पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी के लोगों में बेचैनी बढ़ गई। इसके साथ साथ पशुपति कुमार पारस के पास अब सर्वाइवल के लिए रास्ता निकालना जरूरी था, वरना पार्टी के साथ साथ उनका राजनीतिक कैरियर भी समाप्त हो जाता। इन सब के बीच में दो लोगों का कैरियर और फंसा हुआ था। एक सूरजभान सिंह, जो लगातार हर परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस के साथ रहे, तो दूसरे प्रिंस राज, जिन्होंने अपने भाई से पशुपति कुमार पारस के कारण बगावत किया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सर्वाइवल के लिए पशुपति कुमार पारस ने मीटिंग बुलाई है। दो दिवसीय बैठक में पशुपति कुमार पारस अंतिम फैसला लेने वाले हैं, लेकिन इस फैसले और मीटिंग बुलाए जाने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर पशुपति कुमार पारस के सर पे किसका हाथ है, कौन पशुपति कुमार पारस से ये सब कुछ करवा रहा है और कौन ये कहलवा रहा है कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में गांव-गांव घूमेंगे, ऐसी बात भी अब कही जा रही है। तो उन्होंने अपने निजी आवास पर बुलाई इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगातार मंथन का दौर शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पे मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, तो वहीं उनके लोगों ने कहा है कि नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और ये सुन करके कहीं ना कहीं अब एक नई तरह की बात सामने आ गई है। इस पूरी कहानी में आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव सांसद पूर्व सांसद रहे चंदन सिंह सहित अन्य नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। और एक तरफ जो बात नज़र आई, वो कल हमने कई तस्वीरें देखी, तस्वीरों में साफ लग रहा था कि पशुपति कुमार पारस ने मीटिंग भले ही बुलाई हो, लेकिन कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, उदासीनता साफ साफ झलक रही है। और प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी प्रिंस राज बहुत ज़्यादा एक्शन में नहीं दिखे थे। 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद का शपथ लेने वाले और अपनी पार्टी को दो फाड़ में करने वाले पशुपति कुमार पारस के लिए ये बहुत कठिन समय चल रहा है। उनको ऐसा लगता था कि उनके जीते जी वो अपने पुत्र को भी राजनीति में स्थापित करवा देंगे, लेकिन बीच रास्ते में ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर के उनके पास अब असमंजस के सिवाय और कुछ नहीं है। क्या फैसला लेते हैं पशुपति कुमार पारस, वो आज ही पता चलेगा, क्योंकि आज बैठक के बाद यह निकल करके सामने आएगा कि पशुपति कुमार पारस का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण इसमें देखी जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पशुपति कुमार पारस के सर पे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ है जो बिहार की राजनीति में स्थापित है या फिर स्थापित होने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए ये मुश्किलें हो सकती हैं। चिराग के विकल्प बनने की कोशिश में कई लोग लगे हुए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान के कद को कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए कई नेता और दल तैयार नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव से पहले पशुपति कुमार पारस की ये मीटिंग काफ़ी अहम है। इस मीटिंग में अगर कुछ कॉन्क्रीट निकल करके आता है, या फिर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस के सर पर किसी का हाथ है, तो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा ट्विस्ट होगा। देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस आखिर कहते क्या हैं। एनडीए में जो कल तक ये दावा कर रहे थे कि चिराग ही नहीं है, वही आज एनडीए से दूर हैं, हाशिए पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी मानना यह है कि वो अभी आधिकारिक रूप से नहीं है। कल ही जब संतोष सुमन से ये बात पूछी जा रही थी, जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सदन में उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से कहा जाए तो वो एनडीए में नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो एनडीए का हिस्सा हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के लिए कितना कठिन परिस्थिति सामने आ गया है। क्या फैसला होता है, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167000। धन्यवाद।